नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करियर बूस्टर के इस बेहतरीन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशन बेस्ड एनालिसिस की, सिचुएशन बेस्ड स्ट्रैटेजी की। तीन तरह का सिचुएशन होगा जिसमें आरआरबी पीयू मेंस में पार्टिसिपेट करने वाले अलग अलग तरह के ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बताए जाएंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। आप देखिए कि आप किस सिचुएशन में आते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इन तीनों सिचुएशन में नहीं हैं, तो निश्चित तौर पे आपका या तो एक्सलेंट परफॉर्मेंस है या बहुत बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। आप देखें और फिर एनालाइज करें कि आप इसमें हैं या नहीं हैं। तो चलिए आज की सभा हम लोग शुरू करते हैं। सिचुएशन वन, सिचुएशन टू और सिचुएशन थ्री हमने लिखा है। S1, S2 एंड S3 तीन सिचुएशन में हमने बांट के एनालाइज किया है। अब आपको हम एक दो बातें बताते हैं। पहली बात कि जब आरआरबी की आप तैयारी कर रहे होते हो तो दो तरह दिमाग में चलता है, या कोई भी बैंक एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स या तो मैथ्स में वीक होते हैं या फिर इंग्लिश में वीक होते हैं। बैंक एग्जामिनेशन की ही अगर हम बात कर दें तो, लेकिन जब हम आरआरबी की बात करते हैं, आईपीएस आरआरबी पीयू हो या मेंस हो, तो उसमें जो मैथ्स और इंग्लिश का जो फंडा है उसमें से इंग्लिश का जो पंगा होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको च्वाइस मिलता है, वहाँ पर आप हिंदी भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार आरआरबी देने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उसकी एक समस्या तो खत्म हो जाती है। अब बचा मैथ्स वीक जिसका है उनके लिए। यहाँ हम दोनों चीज़ बताएंगे, इवन मॉडरेट जिनका मैथ्स है यानी ठीक ठाक है, जिनका ऐप बहुत बढ़िया है और जिनका थोड़ा सा बिलो है, तीनों सिचुएशन के बारे में हम यहाँ बताएंगे। तो बात जहाँ तक थी कि इंग्लिश वाली जो समस्या है वो आरआरबी ने च्वाइस देकर खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अब समस्या सिर्फ वैसे लोगों को है जो मैथ्स में वीक। तो हमने तीन सिचुएशन लिया है। तीन सिचुएशन में हम पहले मॉडरेट वाले की बात कर रहे हैं, यानी आपका मैथ्स ठीक है, ख़राब नहीं है और बहुत एक्सलेंट भी नहीं है। तो S1 में यदि आप मैथ्स, पांच सब्जेक्ट है आपको तो मालूम ही है, मैथ्स में अगर 20 क्वेश्चन बनाते हैं, ओवरऑल काट छाट के आपको 20 क्वेश्चन का मार्क्स आता है, तो आपको 25 मार्क्स आते हैं, क्योंकि 1.25 इच क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। अगर 40 में 20 बनाते हैं तो खराब नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है तो ठीक परफॉर्मेंस है आपका मैथ्स में। अब ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट को रीजनिंग में कितना बनाना चाहिए, स्टूडेंट को बाकी सब्जेक्ट्स में कितना बनाना चाहिए, वो हिंदी हो या फिर वो कंप्यूटर हो या जनरल अवेयरनेस हो, अगर मैथ्स में आप 20 स्कोर करते हो तो देखते हैं हम लोग आगे। 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स, अगर आप 20 बना रहे हो इसका मतलब है ठीक ठाक आपका परफॉर्मेंस है मैथ्स में। तो आपको बता दें कि जब आप ठीक ठाक किसी एक सब्जेक्ट में करते हैं तो बैंक एग्जाम्स में कम से कम दो सब्जेक्ट में आपको बहुत बढ़िया करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैंक के एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम, आप खुद को मेरिट लिस्ट में लाना चाहते हैं, तो कम से कम दो सब्जेक्ट आपको बहुत बढ़िया करना होगा और बाकी एवरेज भी होगा तो चलेगा। पहला सब्जेक्ट ही आपका एवरेज है, क्योंकि हमने सिचुएशन वन में दिखाया कि 20 क्वेश्चन में आप सॉल्व किया और आपको मार्क्स आया है 25। दूसरा में आपको यानी रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन कम से कम सॉल्व करने होंगे सही सही, तो आपको मार्क्स आ रहा है 37.5, क्योंकि 1.25 इसके लिए भी है पर क्वेश्चन। तीसरा हिंदी या इंग्लिश लेते हैं, क्योंकि समस्या इंग्लिश की थी तो हिंदी पर ही हम बात करते हैं। जो लोग हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं, हिंदी में आप 28 ला रहे हैं, 40 में 28 लाया जा सकता है, हम वैसे पॉसिबिलिटी ले रहे हैं इसमें लाया जा सकता है। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि इससे भी कम हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल है, कम आप इसलिए नहीं हम बहुत कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्मेंस बहुत नहीं कर रहे हैं, तो हिंदी में भी आप ख़राब अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर रहेगा क्या आपके लिए। इसलिए अगर मैथ्स एवरेज है तो हिंदी थोड़ा बढ़िया हो, GA भी बढ़िया हो, तब जाके सिलेक्शन का चांस रहेगा आपका। तो नेक्स्ट आप देखिए 28, एक मॉडरेट हमने लिया है 28 मार्क्स, कंप्यूटर में 25 तो 12.5 के 0.5 मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, GA में भी यानी जनरल अवेयरनेस में भी हमने 40 में 28 स्टैंडर्ड रखा है, कब, जब मैथ आप ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं तब। इस हिसाब से देखिए आपने 131 क्वेश्चन सही सही किया और आपका मार्क्स आया 131, तो आप खुद सोचिए कि मैथ्स अगर आपका ठीक ठाक भी है, 20 क्वेश्चन बनाए फिर भी आपका रिजल्ट हो जाता है और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप मेरिट लिस्ट में भी आएंगे अगर इंटरव्यू भी आप अच्छे से देते हैं, क्योंकि PO में इंटरव्यू भी है। अब बात करते हैं सिचुएशन टू।
यानी सेकेंड सिचुएशन क्या होगा जब मैथ आपका बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा का सेंस कि अगर आप 25 क्वेश्चन करते हैं, हम एक्सलेंट की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सलेंट 35 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, हम सिर्फ ले रहे हैं कि मास पीपल कितना स्कोर कर रहे हैं। इसलिए वहाँ से हमने तीन सिचुएशन बनाया। पहला सिचुएशन जब उनको 25 मार्क्स आ रहा है, दूसरा सिचुएशन जब उनको 31.25 आ रहा है यानी ऑलमोस्ट 31। अब 25 क्वेश्चन आप बना रहे हैं 40 में और 31.25 आया। नेक्स्ट आप 25 बना रहे हैं, ये रीजनिंग है और इसमें भी आपको 31.25 है, ठीक है। रीजनिंग को हमने यहाँ भी 30 और यहाँ पे जो कोशिश किया है कि 25 आप बनाया है और 31.25। यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपने मैथ्स बनाया था तो आपको कोशिश करना है मैथ में चूँकि कम है तो रीजनिंग में ज़्यादा बनाएं। यहाँ पे आप 25 यानी मैथ्स थोड़ा ऊपर गए तो हो सकता है कि आपके पास समय ना बचाओ, हमने उस आधार पे इसको कैलकुलेट किया है। तो आप क्या करेंगे, मैथ्स में अगर 25 बना ली तो रीजनिंग में थोड़ा घट गया आपका, जहाँ 30 था पहले सिचुएशन में अब आ गया है 25। तो अभी भी आप रेस से बाहर नहीं हुए हैं। अब 25 में आपको 31.25 आया। नेक्स्ट हिंदी में आपको 30 करना है, 30 किए तो 30 आए, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे चल सकता है। फिर कंप्यूटर में 25 या 25 ही रखा है क्योंकि 12.5 उठाया जा सकता है मार्क्स, इसलिए हमने एक एवरेज लिया 12.5। फिर जीए आपका बहुत एक्सलेंट परफॉर्मेंस नहीं है, 25 26 जो भी है हमने 25 लिया, तो 25 मार्क्स इस हिसाब से 130। अभी भी आप देखिए उसी के लगभग में पहुँचे हैं, जबकि मैथ्स आपने ज़्यादा बनाया, फिर भी मैथ्स ज़्यादा बनने के कारण हो सकता है समय आपका नहीं बचा हो तो आप रीजनिंग भी थोड़ा कम बनाए। उस सिचुएशन में भी अगर ऐसे चलते हैं, इस ढंग से अगर चलते हैं तो आप अभी भी रेस में हैं, 130 का स्कोर बहुत अच्छा माना जाएगा और निश्चित तौर पे आपके सिलेक्शन के चांसेस, फाइनल सिलेक्शन चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। ये था दो सिचुएशन। तीसरा सिचुएशन में जब आपके मैथ्स वीक तब क्या होगा, अब आप देखिए मैथ्स वीक है तो 40 में हो सकता है आप 15 क्वेश्चन ही सही सही बना पाए और आपको मार्क्स कितना मिला, 18.75। तो डेफिनेट है कि जब आप मैथ्स 15 बनाए हैं तो आपका रीजनिंग तो अच्छा होना चाहिए, तो 40 में तो 30 आपको बनाना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं रीजनिंग भी मेरा गड़बड़ है तो मुश्किल है फिर रिजल्ट होना, फिर आप कैसे दावा कर सकते कि हिंदी में हम बहुत अच्छा कर लें। तो किसी एक सब्जेक्ट को कम से कम मैथ रीजनिंग में बढ़िया करना पड़ेगा, मैथ रीजनिंग की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और एक्सलेंट टाइप का रखना होगा, चाहे वो हिंदी या जी, अगर जीए रखें तो और बेहतर है क्योंकि श्योर शॉट उसमें जो बनाएंगे स्कोर आएगा, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है तो थोड़े बहुत एरर होने के चांस होते हैं। अब अगर 15 बनाते हैं सही सही, आपको आया 13.75, रीजनिंग में आप थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो 37.5, 30 आपने बनाया हिंदी, ठीक है, क्योंकि आपका मैथ्स काफ़ी वीक है तो आपको रीजनिंग और हिंदी में ऊपर उठना पड़ेगा। नेक्स्ट आपने 28 यानी कि आप 14 मार्क्स लाए हैं, 20 में से 14 नंबर लाया जा सकता है। उसके बाद आप जीए में भी, हम ऐसा नहीं कर रहे कि बहुत ऊपर कर रहे हैं, जीए में हमने 28 ही रखा है, 40 में 28 बनाया जा सकता है, नो डाउट। हो सकता है रीजनिंग में अगर आप दो पीछे हो गए तो जीए को बहुत मजबूत करके जाइए तो 28 से 30 भी पहुंच जाइए, या फिर 28 ही रह गए, रीजनिंग में दो घट भी है तो फिर भी अभी मैंने 128.25 लाया है मार्क्स। अगर मैथ्स आपका कमज़ोर है फिर भी दोस्तों, और अगर दो नंबर और घट जाता है रीजनिंग में, अगर थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस हो फिर भी 126.25 तक पहुँचते हैं और रिजल्ट होने की संभावना अभी भी है, इवन फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आने की संभावना है। तो आप देखिए तीन सिचुएशन, हमने तीन ही सिचुएशन इसलिए लिया है कि मैथ्स में एक्सलेंट परफॉर्मेंस को इसलिए नहीं लिया कि एक्सलेंट जब वो है तो उसे बाकी चीज़ों में काम करना है, उसका रिजल्ट हो जाएगा, और बहुत बिलो है, इससे भी बिलो है, अगर वो 15 से भी बिलो है तो उसे बहुत चीज़ में काम करना होगा, क्योंकि इतना कम बना के निकालना मतलब इस सारे सब्जेक्ट में आपको एक्सलेंट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तीन सिचुएशन से मास पीपल को लाने की कोशिश की है ताकि सारे लोग, मैक्सिमम लोग इस सिचुएशन में आए और अपने को एनालाइज करें कि इस सिचुएशन से भी रिजल्ट हमारा हो सकता है। आप देखिए कि कितना इम्पोर्टेंस है। और लास्ट वीडियो में जब हम क्लर्क के मेंस की बात कर रहे थे तो जीए पे हम कुछ बातें बताए थे आपको कि जीए का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप जीए बहुत अच्छा करते हैं तो एक तो समय बहुत कम लगता है और एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा उसका है, इसलिए जीए पे काम कीजिए। अगर आपका जनरल अवेयरनेस बढ़िया है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में अच्छा पता है आपको, करेंट अफेयर्स उसमें है, और आज का जो ट्रेंड है थोड़ा एसएससी टाइप का क्वेश्चन को भी देखिए, एसएससी टाइप का मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं,
स्पोर्ट्स से पीछे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो लास्ट ईयर का ट्रेंड है, तो आप क्या करें, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं एसएससी में पूछे गए वैसे क्वेश्चन को कम से कम बनाइए, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर ये बेनिफिट पहुंचाएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं एग्जाम का जो एक तुर्क का पत्ता होता है, ट्रम्प कार्ड, वो जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस बहुत लोगों का बहुत अच्छा नहीं होता है, इसीलिए जनरल अवेयरनेस अच्छा करना ज़रूरी है। तीन सिचुएशन के द्वारा हमने कोशिश किया कि आपको एक बेहतर एनालाइज करके देने का, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमारा रिजल्ट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी प्लान बताएंगे, कैसे मैथ्स को कवर करना है, कैसे रीजनिंग को करना है, कैसे कंप्यूटर या कैसे हिंदी या इंग्लिश, कैसे जनरल अवेयरनेस को, उसके चैप्टर्स पे भी हम लोग आएंगे ताकि मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचा सके, एग्ज़ाम से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोज दे सके, और एग्ज़ाम में जितना मदद हो सके हम अपने वीडियो के द्वारा आपको करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, आप खुद में बैठकर एनालाइज करें कितना फ़ायदा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो तक अलविदा।